चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजे सभी सम्मानित गण, आदरणीय बड़े भाई विशंबर प्रसाद निषाद जी, लालता प्रसाद जी, हमारी सबकी पूजनीय माताश्री राजमती निषाद जी, हम सबके चहीते प्यारे भाई अमरेंद्र निषाद जी, हम सबके आदरणीय बड़े भाई साधु यादव जी, आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी, आदरणीय बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी, आदरणीय बड़े भाई विक्रम यादव जी, और मंच पर विराजे तमाम पदाधिकारी सभी का, और यहाँ आए दूर दराज से मेरे सभी नौजवान साथियों, मेरे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो सब पर सौ सौ पर भारी है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल के सभी प्रभारी और कार्यकर्ता, दूर दराज से आए सभी मित्र, प्यारी बहने, पिता तुल्य बाबूजी, दुर्गा रूपिणी माताएं, शक्ति रूपिणी बहने, प्यारे बच्चों, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, चित्रकार, पेंटर, सोशल एक्टिविस्ट यानी समाज सेवी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ, और धन्यवाद देना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय बड़े भाई राजपाल कश्यप जी को, शेर की तरह जो दहाड़ कर बोलते हैं, समाज को जागृत करते हैं, ऐसे आदरणीय राजपाल कश्यप जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। महंगाई बहुत बढ़ गई बना, अरे चाची कड़ुक तेल कितना हो गए, कितना महंगा हो गए, गैस के दाम कितना महंगा हो गए, कुल चीज के महंगाई, लइकन के भविष्य खराब हो गए, बिना पढ़े लिखे लइके बेकार हो गए, और जो बच्चे पढ़ लिख लिए थे उनका भी भविष्य अंधकार में चला गया, न भर्तियां निकल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न कमाई का कोई जरिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े वादे करते हैं, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने यहीं पे फर्टिलाइजर का ओपनिंग किया था, खोला था, कितना बड़का बड़का ऐड दिया था, इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी भर्तियां निकलेगी, इतने कर्मचारी हम रखेंगे। आपने देखा होगा, हाथ ऊपर करके बताइए, फर्टिलाइजर में कौन कर्मचारी आपके यहाँ से काम कर रहा है? कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक भी भाई, एक भी बाबूजी, कोई भी वहां रोजगार नहीं पा रहा है, सब उत्तराखंड और गुजरात से भरे हुए हैं। ये बनाएंगे तो यहीं पर, दिखाएंगे तो यहीं पर, लेकिन काम यहाँ के लोगों को देंगे नहीं। इनको ये लगता है कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे, रोजगार पा जाएंगे तो फिर सवाल पूछेंगे, ये सुखी जीवन जी लेंगे, और इनका तो यही सपना है कि ये बिल्कुल सुखी ना रहे, सब दुखी रहे, सवाल ना पूछे हमसे, दबदबा बना के ये रखेंगे। और लड़का दूर दूर पड़ी तो कोरोना बा, दूर दूर लड़का पड़ेला तो कोरोना बा, फीस लेवे के टाइम कोरोना ना है बा, आ फीस लेवे के समय कोरोना ना है बा, दूर दूर लड़का पड़ी तो कोरोना बा, और बाबा के मंदिर में खिचड़िया चढ़ेला कितना भीड़ होला,
सटा साठ निरहुआ सटल रहे, इतना भीड़ होला वहाँ कोरोना ना होला। मोदी जी योगी जी के रैली में कोरोना ना होला, लड़का पड़ ले तो कोरोना हो जाए। इतना महंगाई से ये लोग त्रस्त कर दिए हैं कि मैं चार महीना से डोर टू डोर जाती हूँ और खास कर निषाद बस्तियों में जाती हूँ, कोई काम नहीं किया है। जनजीवन इतना परेशान है, अभी भी 1925 वाला भारत दिखता है, मढ़ई दिखती है, झोपड़ी दिखती है, कोई रोड नहीं बने हुए, कोई काम नहीं किया हुआ, लड़के पढ़ाई लिखाई को नहीं जा रहे, बिना चप्पल के बच्चे कभी कभी स्कूल ड्रेस में दिख जाते हैं, कोई काम नहीं किया है। क्या किया इन्होंने? कैंपियरगंज में एक बार नहीं, छह बार के विधायक है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी है, छह बार के 30 साल के विधायक है। क्या किया इन्होंने? सिर्फ क्षेत्र को लूटा, अपना दबदबा बनाया, मुकदमा लगाया, दबंगई की, किसी का घर गिरवा दिया, किसी का घर सीज करवा दिया। बरूलिया में मुसावार में जाकर मैंने देखा है, हमारे ही एक भाई है जयसराम निषाद जी और परशुराम निषाद जी, उनका घर सीज करवा दिया है। इनको निषादों का वोट भर चाहिए, निषादों का वोट चाहिए बस। निषादों की बस्ती में कोई काम नहीं करना है, पूरे कैंपियरगंज में कोई काम नहीं किया है। और मेरे भाई राम लक्ष्मण जैसे जो मेरे भाई है, शत्रुघ्न भरत जैसे जो मेरे भाई है, साधु यादव जी, सुरेंद्रनाथ यादव जी, जयप्रकाश यादव जी, विक्रम यादव जी और सारे निषाद समाज का जो मुझे साथ है, यादव समाज का मुझे साथ है, पंडित समाज का जो साथ मिल रहा है, राजभर का साथ मिल रहा है, सारे समाज, दलित वर्ग का साथ मिल रहा है, मुसलमान भाइयों का साथ मिल रहा है, सारे समाज, जब मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हैं मेरे साथ। जैसे लगता है एक लहर सी उठ रही है, जैसे लगता है कैंपियरगंज में परिवर्तन हो रहा है, मैं आज भी कहती हूँ ये चुनाव मेरा नहीं है, कैंपियरगंज का चुनाव अब मेरा चुनाव नहीं रह गया, कैंपियरगंज की जनता का चुनाव है, यह आजादी का चुनाव है। यह कैंपियरगंज की जनता आजाद होने जा रही है और 3 तारीख को आप देख लीजिएगा, साइकिल के सामने वाला बटन इतना जोर से दबी, मशीनियां बोली चौए चौए, इतना जोर से बटन दबेगा कि ये जो अंतरी मंत्री संतरी है जो दबदबा कर रहे हैं, उनका खदेड़ा होगा और 10 तारीख के बाद ऐसे मंत्री दिखेंगे नहीं। इन दिनों कुछ ज्यादा ही आग बबूला से हो रहे हमारे मंत्री जी, जैसे दिया बुझे वाला रहा ऐसे फड़फड़ाला, ऐसे मंत्री जी बड़े फड़फड़ा रहे हैं। काजल निषाद वीडियो के माध्यम से डोर टू डोर जाकर जनता की परेशानी बताती है कि कहाँ रोड नहीं है, कहाँ आवास नहीं मिला है, कहाँ कोई चीज नहीं हुआ है, वीडियो के माध्यम से डोर टू डोर जाकर आपको बताने का काम करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि टीवी तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हर जेबिया मोबाइल रहला, हर मोबाइल में सोशल मीडिया रहला, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग देख पाते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। वीडियो के माध्यम से सबको मैंने बताने का काम किया तो हमारे मंत्री जी के चस्का लग गए, विधायक जी के चस्का लग गए, विधायक जी वीडियो में आ गए। काजल बना रही है तो हम भी बनाएंगे, कसम से बता रहे पहली बार हम चेहरा देखे, इतना बड़ा मलपट्टा। हाँ, और हमारे समाज को गरिया रहे थे निषाद समाज को, और मेरे साथ चलने वाले सभी भाइयों को और सर्व समाज को गरिया रहे थे। यही लोग नवरात्रि में दुर्गा का पूजा करेंगे और दिवाली में लक्ष्मी का पूजा करेंगे, ये बड़का बड़का लोग पहले करता है ना,
ये लोग पूजा करेंगे और कोई महिला प्रत्याशी के रूप में आकर शेर की तरह दहाड़ कर अपने भाइयों को लेकर अपने एक एक कार्यकर्ता जो सौ सौ पर भारी है ऐसे मेरे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर दहाड़ कर इनको जवाब दे रही हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो ये सबको गरियाएंगे, अपमान करेंगे, एक महिला का लगातार अपमान कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि काजल निषाद के साथ चलने वाले बहुत हीरोगिरी करते हैं। अरे हाँ करते हैं, हमारे भाई सब हीरो हैं, हमारे भाई सब अखिलेश यादव के हीरो हैं। और विधायक जी आप तो बिल्कुल अमरीश पुरी जैसे दिखते हो, हमारे समाज को गरियाओगे, अरे भथुआ जैसा कोहरा जैसा मुंह वाले हमारे समाज को गरियाओगे, इतनी औकात है, यही निषाद समाज आपको उखाड़ के फेंक देगा, यही निषाद समाज पिपराइज में मेरे भाई अमरेंद्र निषाद को भारी मतों से जिताएगा, यही निषाद समाज और सर्व समाज मिलकर कैंपियरगंज को भी आजादी दिलाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपनी बुद्धि विवेक से, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिएगा कि आपको ताली थाली घंटी अगरबत्ती वाली मदारी सरकार चाहिए कि सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने वाली आपकी अपनी साइकिल वाली यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, ये आपको निर्णय करना है, ये आपको तय करना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली भाजपा की सरकार चाहिए कि विकास पुरुष अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए, ये आपको तय करना है, ये आपको निर्णय करना है कि महिलाओं को गरियाने वाले और महिलाओं का चीर हरण करने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहिए कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। तो आप एक बार कह दीजिए कि अब हमको नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा, यही नारा आज का युवा का है, आज का चाहिए भाजपा, युवा का है रोज का नहीं चाहिए भाजपा, दुशासन है आज का नहीं चाहिए भाजपा, दुर्योधन है आज का नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय समाजवाद। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता शेर की तरह दहाड़ कर जवाब देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और बाबा जी को अब मंदिर में आराम करने दीजिए, पूजा पाठ करने दीजिए, हमारे प्यारे सबके चहेते माननीय अखिलेश यादव जी को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हर बच्चा, हर महिला, हर युवा बहुत ज्यादा अखिलेश भैया के दीवाने हैं, अखिलेश के दीवाने हैं आप सब, अखिलेश को लाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार करेंगे, जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं हैं डोर टू डोर जाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 3 या 4 दिन का चुनाव बचा है। अगर आप अपने आप को आजाद करना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो दो पहिए से, साइकिल से, चार पहिए से निकल जाइए, डोर टू डोर जाकर योजनाएं बताइए। मेरी कितनी महिलाएं यहाँ सुन रही है, महिलाओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए हम लोग 5 साल के लिए बिजली मुफ्त ला रहे हैं, 5 साल के लिए राशन मुफ्त ला रहे हैं,
और आपकी बच्ची की जो शिक्षा है केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा हम आपको बिल्कुल मुफ्त देंगे। बच्ची 12वीं पास हो जाएगी तो हम 36,000 रुपया देंगे, आपके खाते में 1500 रुपये पेंशन आएगा जो साल का 18,000 होगा। जितने युवा साथी है आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को हम लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल देंगे और ऐसी 32 योजनाएं हैं जिसका लाभ हमें मिल सकता है और हमारे ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम हो सकता है। और काजल निषाद आपसे एक वादा करती है, ये योजना में तो नहीं है लेकिन ये मेरा अपना वादा है कि जितनी गरीब बच्चियां होगी उसकी शादी काजल निषाद करवाएगी, एक भी रुपया नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा।